देखिए, बदले मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में 22 जून तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश आज हो सकती है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। जोशीमठ के लामरी रविग्राम में लाइन टूटने से जमीन धंसने का खतरा। सेना और जल संस्थान की लाइन टूटने से भारी मात्रा में पानी बह रहा है और पानी बहने से लामरी गांव में जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है और लोगों में दहशत का माहौल यहां पर है। उन्हें जमीन धंसने का डर अब सता रहा है। ये देखिए आप, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ के लामरी रविग्राम में लाइन टूटने से जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है। लोग चिंतित हैं। चंपावत से बड़ी खबर है। चंपावत में बड़ा हादसा टला। खाई में गिरने से बाल बाल बची बस और बस पलटने से 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 6 की हालत गंभीर है। देर रात 10 बजे के आसपास चंपावत मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर धौन के पास एक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रीठा साहिब गुरुद्वारे से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्री इस बस में सवार थे। बस का ब्रेक फेल हो गया और बस अनियंत्रित होकर के हाईवे पर पलट गई। संयोग ठीक था कि बस खाई में नहीं गिरी। गनीमत ये रही कि बस नीचे नहीं गिरी। इस हादसे में 40 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हाईएस्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने 61 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।